जी बताएं सर। दीप, देखिए गेल में बहुत अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आप दो ऑप्शन है। ऑप्शन में कुछ करना है तो 140 का कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए, सॉरी अभी बढ़ गया, 8 रुपए 10 पैसे हो गया, यहाँ लेने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस 6 रुपए 70 पैसे होना चाहिए और टारगेट्स के लिए 12 से 13 के लेवल्स देखने को मिलेंगे 2 से 3 दिनों में। तो ये रहा ऑप्शन। अगर आपको फ्यूचर्स लेना है तो गेल अभी बाय करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा लगभग 141 का और टारगेट्स के लिए 2 से 3 दिन देते हैं, तो 150 से लेके 153, ये टारगेट्स आपको गेल गैस अथॉरिटी में देखने को मिल जाने चाहिए। तो गेल पर खरीदारी की राय है सर, 150 के कॉल पर खरीदारी की राय दी आपने। 140 का कॉल ऑप्शन है जो बाय करके चलना चाहिए और फ्यूचर्स में मेरा टारगेट 153 है। ओके, तो 140 की कॉल खरीदिए। फिलहाल 144 पर आपको काउंटर दिख रहा है, कॉल खरीद सकते हैं 140 की 12 और 13 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा अगर फ्यूचर्स में ले रहे हैं तो 150 153 के टारगेट्स के लिए आप गेल पर करें खरीदारी। बट बढ़िया ब्रेकआउट गेल पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में जिस तरह की रैली यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए नजर आई है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद तेजी के लिए तैयार है। 55 रुपए का एक बड़ा ऑप्शन का बैरियर भी स्टॉक ने पार किया है, तो करंट लेवल्स पर आईडीएफसी फर्स्ट के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है। 58 रुपए का पहला टारगेट और 60 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 54 रुपए 90 पैसे का एक यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, खरीदारी करके चलें। ट्रेड के लिए अच्छे मूव्स आपको दिख सकते हैं। कॉफी हो उसमें एक अच्छा मूव देखने मिला हमें, ये सारी हमारे रडार पर थे। आज जो दे रहा हूँ 10 की कमाई में वो है जीआईसी आरी, 213 के आसपास डीप ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है दीप, ये जीआईसी आरी में ये 213 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से लगभग आपको 250 रुपए तक का मूव देखने मिलेगा। 250 का टारगेट रहेगा, यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा दीप, 201 का स्टॉप लॉस रखना है। जो हिसाब से ये स्टॉक ने एक क्लियर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक छोटा सा एक अच्छा कंसोलिडेशन जो हुआ है ये स्टॉक में, उसमें से ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स, विद यू नो क्लियर बाय क्रॉस ओवर इन दिस इंडिकेटर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा एक ट्रेड बन रहा है। यू नो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 250 के टारगेट रहेंगे, 201 का स्टॉप लॉस जीआईसीआर। ओके, तो जीआईसी आरी इंश्योरेंस स्पेस से एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, हमने आपको बताया था आज के एसआईपी स्टॉक में। दीपांशु, खरीदने का सलाह होगा 10 की कमाई के लिए नो सिल को। नो सिल में मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, 203 के आसपास है मेरा, मैंने स्टॉप लॉस 195 के नीचे रखा है। 195 का स्टॉप लॉस के साथ नो सिल को खरीदने का सलाह होगा और मेरा पहला टारगेट होगा 222 और दूसरा होगा 240। तो 222 और 240 ये दो टारगेट्स के लिए नोसिल को खरीद कर चलने का सलाह होगा 195 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये है आपके लिए नोसिल पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई में सीमी जी की तरफ से। अब 10 की कमाई में आजकल सारे स्टॉक जो आ रहे हैं कैश स्टॉक है, वो है एस्टेक लाइफ साइंस। ये भी स्टॉक हम पहले रिकमेंड कर चुके हैं और बहुत ही उम्दा क्वालिटी गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, गोदरेज एग्रोविट की सब्सिडरी। सेम कॉन्सेप्ट अनिल जी, रिमाइंड कराना चाहूंगा, प्रमोटर इंक्रीजिंग द स्टेक, काफी हाई मार्जिन बिजनेस है। एग्रोकेमिकल का जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में ही वो काफी तेजी पकड़ रहा है और फिर वही सेकेंड टू चाइना जो पॉलिसी है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका ये बड़ा बेनिफिशरी है। जो भी डिसरप्शन है वहां पे या हुई पिछले साल, उसको इसने अच्छे से बुनाया है। और सबसे अच्छी चीज ये है, उस प्रोसेस में इन लोगों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी काफी करी, जहां पे इनकी खुद की डिपेंडेंसी जो सप्लाईज है चाइना से वहां पे कम हुई। और ये स्पेस में अनिल जी, एक ऐसी कंपनी जिसमें डेट है ही नहीं, और गोदरेज ग्रुप की कंपनी में तो आप जानते ही हैं कि काफी हाई क्वालिटी मैनेजमेंट और वर्ल्ड क्लास प्लांट्स, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर स्टॉक अनिल जी। एस्टेक लाइफ साइंस, इट विल मूव ऑन इट्स ओन पेस, बट ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। तो पोजिशनल मेरे लिए तो ये लॉन्ग टर्म भी है, पोजिशनल कैटेगरी को मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ये 3-6 महीने का टारगेट देता हूं, मैं आपको 6 महीने का देता हूं। यहां से 1500 तक के स्तर लगते हैं, हाई क्वालिटी एग्रोकेमिकल कंपनी और डोमेस्टिक डिमांड तो अभी अभी तो और आगे और इंक्रीज होगी।
ओके, तो एस्टेक लाइफ पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए आशीष जी की तरफ से राय। जबरदस्त एक्शन आपको आगे दिखा सकता है, पर अपनी पेस पे दिखाएगा, तो इमीडिएट मूव आए ना आए बट पोजिशनल बेसिस पर आपको अच्छी गेन्स दिखाएगा। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में खरीदारी की राय है, 239 का स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर 257 पहला टारगेट है, 260 दूसरा टारगेट है, 239 है स्टॉप लॉस, और एक बार 250 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए, तो चार्ट कॉर्नर पिक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 18 दिनों के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल के, और उसका फायदा आप आते हुए देख रहे हैं। 3.5% ऊपर आपको HPCL इस समय दिखेगा, नजर रखिए। स्टॉक यहाँ पर मैं तीसरी बार रेकमेंड कर रहा हूँ SPL मिड कैप शो में। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर स्टॉक से शुरुआत की थी हमने जून में। स्टॉक का नाम है BASF। जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, लगभग 1100 के आसपास हमने इसमें एक रिवर्सल आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद 1600 के आसपास नवंबर में वापस एक फॉलो थ्रू एक्शन या पैटर्न कंटिन्यूएशन आइडेंटिफाई किया था, और जिस तरीके से अभी यहाँ पर प्लेस्ड है, लगभग अपने 2018 के जो हाईस थे इसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किए। एंड वीकली चार्ट पे अगर हम इसे इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर एक काफ़ी क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। पिछले हफ्तों में कुछ अच्छा एक पुलबैक आया था 2040 के आसपास, इसने एक अच्छा एलिवेटेड बेस बनाया और वहां से वापस स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगभग 2960 के आसपास के पैटर्न टारगेट्स यहां पर विजिबल है, जिसे पार्टिसिपेट करना चाहिए 2120 के स्टॉप लॉस के साथ। ये भी स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अभी भी यहां पर 30% की अपसाइड अवेलेबल है। एंड पिछले दो इंस्टेंस में हमने इसमें 30-30% के ऑलरेडी दो मूव्स कैपिटलाइज किए थे, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से हेल्दी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से मोमेंटम है, इस बार के टारगेट्स काफी जल्दी हासिल होने चाहिए।